और भाई क्या तू पोकेमोन एनीमे देखता है? अरे नहीं भाई, पोकेमोन तो बच्चे देखते हैं। क्या सही में बच्चे देखते हैं? अब तूने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है लगता है। अगर तूने ये पढ़ी होती तो तूने कभी कहा नहीं होता कि पोकेमोन सिर्फ बच्चे ही देखते हैं। उनकी मांगा भी है। हाँ तो गाइस तुमने बिल्कुल ही सही सुना, पोकेमोन की एक मांगा भी है जो कि एनिमे से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ पोकेमोन एडवेंचर मांगा के बारे में, जो कि पोकेमोन फ्रेंचाइजी की जो एक पार्ट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हूँ, तो गाइस प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। और मैं बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि पोकेमोन एडवेंचर की मांगा है क्या, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये पोकेमोन फ्रेंचाइजी है उसी का ये पार्ट है, जहाँ पे जो पोकेमोन एनिमे जो यहाँ पे तुम देखते हो उससे जो है लाख गुना ज्यादा बेहतर है पोकेमोन मांगा। क्योंकि जो पोकेमोन मांगा है जो कि है एडल्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, पोकेमोन की जो एनिमे है वो बच्चों को और छोटे बच्चों को लेकर जो ध्यान में रखकर बनाई गई है। पोकेमोन एडवेंचर मांगा है बड़े लोगों को फोकस करके बनाई गई है, जहाँ पे कुछ ज्यादा ब्रूटैलिटी और बहुत सारा एडल्ट सीन है जो कि एनिमे के अंदर कभी भी हमें दिखाया नहीं गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन तो सही बता रहा हूँ, पोकेमोन की जो मांगा है भाई पोकेमोन की एनिमे से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। और मैं इसके बारे में समरी में कुछ बता रहे, तो जहाँ पे जो पोकेमोन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर जो तुम पोकेमोन गेम्स के अंदर देखते हो, जैसे पोकेमोन डायमंड पर्ल्स, इसके अलावा भी और सारी गेम्स जो कि पोकेमोन फ्रेंचाइजी के अंदर में आई हुई हैं, उन सभी के जितने मेन कैरेक्टर्स हैं उन सभी के बारे में जो यहाँ पे मांगा में जब स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पे इनके बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें जो हमें पता चलता है, इसके अलावा और सारे कैरेक्टर्स उन सभी के बारे में यहाँ पे जो अलग अलग स्टोरी बताई गई है, जहाँ पे जो है इस मांगा के जो 64 वॉल्यूम जब तक रिलीज हो चुके जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के। और मैं आज इस वीडियो के अंदर में ये बात करने वाला हूँ क्यों जो पोकेमोन की जो मांगा है एनिमे से कहीं ज्यादा बेहतर है, तुम्हें जो इसकी मांगा जो है पढ़नी चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि पोकेमोन एनिमे के अंदर जो हमें सिर्फ एस की जर्नी को दिखाया गया और उसी के आसपास जो स्टोरी घूमती है, जहाँ पे हर रीजन में जो है एस की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे वही घिसे पिटे स्टोरी जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं, जहाँ पे जो एस जिम बैचेस में चैलेंज करता है और हर बार उसका कोई ना कोई एक राइवल होता है, हर बार वो उसे हार जाता है, उसके बाद फिर से वो एक नई जर्नी जो स्टार्ट करता है, और इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जहाँ पे अगर हम बात करें मांगा की, तो मांगा की स्टोरी भी लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें जो बहुत ज्यादा अलग अलग ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें हर कैरेक्टर की जर्नी जो है यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, उनके क्या गोल है, वो उनसे कैसे अचीव करता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा बात करें मांगा की, तो मांगा की मुझे एक बढ़िया बात ये लगती है कि इसमें जो कुछ ऐसे भी सीन दिखाए गए जो कि हमें पोकेमोन एनिमे के अंदर कभी भी नहीं दिखाए गए हैं, एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन जिसे देखकर जो तुम यहाँ पे शॉक्ड हो जाओगे, और ये सब बहुत ही बड़े मेन फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे पोकेमोन एनिमे जो है यहाँ पे फेल हो रहा है और पोकेमोन मांगा जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है। अगर तुम्हें भी इसके बारे में पता नहीं था तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और जब जो एस की जर्नी यहाँ पे एनिमे में खत्म हुई तो इसके बाद पोकेमोन का जो डाउनफॉल चालू हो गया। लेकिन अगर पोकेमोन फ्रेंचाइजी वाले अगर जो यहाँ पे पोकेमोन मांगा से जो यहाँ पे कुछ चीजों का अडेप्ट करके एक एनिमे बनाते तो मुझे लगता है कि ये जो वायरल हो सकता था, लेकिन उन्होंने जिस चीज को यहाँ पे नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या सही में जो पोकेमोन एडवेंचर मांगा की जो यहाँ पे स्टोरी जो यहाँ पे एनिमेट की जानी चाहिए या नहीं, मुझे कॉमेंट जरूर बताना। और इसकी स्टोरी के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में कहा था, तो मैं इस पर जल्दी जो एक वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहो इस मांगा के साथ में और मैं तुम्हें मिलता ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, तुम्हारा क्या ओपिनियन मुझे कॉमेंट्स जरूर बताना।